सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्प कला बाय शिल्पा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 मीटर नॉर्मल कॉटन फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 44 इंचेस। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को अच्छे से 2 फोल्ड कर लेना है। ओपन साइड मेरी तरफ है और क्लोज साइड दूसरी तरफ है। सो अभी हम लेंथ मार्क करेंगे। तो 1 इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने अपनी लेंथ मार्क की है 35 इंचेस। क्योंकि हम बेल्ट एक्स्ट्रा अटैच करेंगे इसलिए हमने 1 इंच ऊपर की ओर माइनस किया है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन अभी हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें हिप साइज चाहिए होगा। हिप हमारी यहाँ पर 36 इंचेस है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंचेस होगा। इसमें हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करके 11 इंचेस पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम 1 इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए यहाँ पर क्रोच लेंथ मार्क करेंगे। क्योंकि 1 इंच हमारी बेल्ट लगेगी इसीलिए हमने 1 इंच माइनस करके यहाँ पर क्रोच लेंथ का मार्क किया है। और फिर उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर 2 इंचेस पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड क्रोच में कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। तो ये देखिए, जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये है 13 इंचेस। 13 इंचेस का हाफ हम 6.5 इंचेस पे मार्क करेंगे तो ये इसका सेंटर पार्ट होगा। एंड सिमिलरली बॉटम पर भी हम 6.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम हमारी है 14 इंचेस एंड 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंचेस एंड 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 इंचेस एक साइड पे मार्क करेंगे एंड 3.5 इंचेस दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम बॉटम की फोल्डिंग के लिए 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम सभी पॉइंट्स को कर्व शेप स्केल की हेल्प से मिला देंगे। इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सारी मार्किंग कम्प्लीट हो जाने के बाद हम इसको एक साइड से कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। हमने इस वाली साइड से अभी इसको कट नहीं करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये जो बाकी का फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेना है। देन उसके बाद हम 2 इंचेस पे ऊपर की ओर इस तरह से मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम अपनी फ्रंट साइड लेंगे और उसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ के इसको रखना है। देन उसके बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। क्रोच वाली साइड से हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद हम नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो उसके लिए हम 1.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरह से हमने पूरी मार्किंग कर लेनी है। देन इसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। और क्रॉच में कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। देन मार्किंग हो जाने के बाद अभी हम ऊपर की साइड जहाँ से हमने 2 इंचेस पे मार्क किया था वहाँ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्केल को रख के एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन सारी मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है।
हम इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे। फिर नीचे की साइड से हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे ताकि बाद में इजीली हम इसको फोल्ड कर सकें। कटिंग हो जाने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो उसके लिए फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके क्रॉच को स्टिच कर लेंगे। देन उसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और इसके भी क्रॉच को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 4.5 इंचेस पे मार्क करूँगी। देन उसके बाद 5 इंचेस पे मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं हाफ हाफ इंचेस पे मार्क करके एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लूँगी लाइक दिस। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने टैप टैप करके दूसरी साइड पे मार्किंग करनी है। तो अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, देखिए। अभी हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर हम बेल्ट बनाने के लिए फैब्रिक स्ट्रिप यूज़ करेंगे जिसकी चौड़ाई है 4 इंचेस। तो ये जो मैंने बुकरम पेस्ट किया है इसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस। अभी हम फ्रंट पार्ट की बेल्ट लेंगे और उसको फ्रंट पार्ट के रॉन्ग साइड पे रख के एक स्टिच कर देंगे। देन इसी तरह से हम बैक पार्ट की बेल्ट लेंगे और बैक पार्ट के रॉन्ग साइड पे रख के इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, यू कैन सी। तो इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट की भी स्टिचिंग कर ली है। अभी हम बैक पार्ट लेंगे और इसको राइट साइड में टर्न करेंगे और ये जो फैब्रिक स्ट्रिप है इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करके देन सेकंड टाइम फोल्ड करेंगे और एक टॉप स्टिच लगा देंगे। देन उसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको भी हम राइट साइड में टर्न करके इस तरह से फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर ली है, यू कैन सी। इसी तरह से हमने बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेनी है। अभी हम बैक पार्ट पे इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है जिसकी लेंथ है 15 इंचेस। तो यहाँ पर मैं हेयर पिन की हेल्प से बैक पार्ट में इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इलास्टिक इंसर्ट कर रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी तरह से हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद इन दोनों एंड्स को इस तरह से खींचते हुए इक्वल कर लेना है और इस पर टॉप स्टिच लगा देना है। तो यहाँ पर हमने इसको टॉप स्टिच लगा लिया है, यू कैन सी। अभी हम बैक पार्ट को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और फ्रंट साइड को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और इन दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड की स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद हम बॉटम रेडी करेंगे। तो इसके लिए इस तरह से बॉटम को पहले एक बार में फोल्ड करेंगे, देन इसके बाद इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। देन सिमिलरली हम दूसरी बॉटम को भी इस तरह से 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉटम की स्टिचिंग कर ली है। देन इसके बाद हम यहाँ पर अपनी बॉटम की फिटिंग का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से फिटिंग का मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी फिटिंग का मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। देन इसके बाद इस तरह से सेंटर पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे प्लाजो पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों को इसकी लेंथ मेज़र करके दिखाऊंगी। तो इसकी रेडी लेंथ है 35 इंचेस, जितनी हमें चाहिए थी उतनी रेडी हुई है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।